साथियों जोहार। आज 5 अगस्त 2020 है और आदिवासी अस्तित्व पर जो निरंतर हमला हो रहा है उस संदर्भ में आज की तारीख को हमें याद रखना चाहिए। जिस तरह से 1 दिसंबर 1948 आदिवासी अस्तित्व को मटियामेट करने का एक दिन था, उसी दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के मसौदा अनुच्छेद 13 उप अनुच्छेद 5 से आदिवासी शब्द को हटवा दिया था। इसी तरह आज का दिन आदिवासी अस्तित्व को मटियामेट करने का और एक दिन है। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं कि राम मंदिर निर्माण के लिए भारत के आदिवासी बहुल क्षेत्र जहां पर आज भी सरना, दिसौली, जहरथान या और भी कई आदिवासियों का धार्मिक स्थल है, उन धार्मिक स्थलों से समुदाय को पूछे बगैर या ग्राम सभाओं से अनुमति लिए बगैर भाजपा और संघ के आदिवासी नेताओं ने धार्मिक स्थलों की मिट्टी को चुरा कर अयोध्या भेजने का काम किया। आज झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री और आरएसएस के प्रचारक बाबूलाल मरांडी ने जो भी मिट्टी इकट्ठा किया गया था उसको अयोध्या ले जाने के लिए हरी झंडी दिखाया। अब यहां मौलिक सवाल उठता है, आरएसएस जो है क्यों ऐसा अभियान चलाया सरना स्थलों से, देसौली से या फिर जहरथान से मिट्टी को क्यों ले जाया गया अयोध्या? वह इसलिए ले जाया गया क्योंकि ये लोग आदिवासी जो सरना धर्म को मानते हैं उनको हिंदू धर्म में शामिल करते हुए आदिवासी अस्तित्व को मटियामेट करना चाहता है। क्यों मटियामेट करना चाहता है? क्योंकि जो आर्य बाहर से आए हैं उनको पता है कि भारत के प्रथम निवासी हैं वो आदिवासी हैं। जब तक आदिवासियों को सनातन हिंदू धर्म में शामिल नहीं किया जाएगा, आर्यों का जो वर्ण व्यवस्था जो है उसके अंदर नहीं घसीटा जाएगा, तब तक जो है वो भारत देश का असली दावेदार नहीं हो सकते हैं, वो खुद को भारत का प्रथम निवासी घोषित नहीं कर सकते हैं। और इसी के रास्ते आड़े आ रहा था ये जो सरना आदिवासियों का दावा कि सरना धर्म एक अलग धर्म है। अब इसको हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। आरएसएस जब से यह अभियान चला रहा है, यह हम कह सकते हैं कि आरएसएस की जब से स्थापना हुई 1925 से, तब तक जो है कि वो निरंतर इस तरह का अभियान चला रहे थे। 1960 के दशक में आदिवासी क्षेत्रों में विशेष तौर पर आदिवासियों का बड़े पैमाने पर हिंदूकरण करने के लिए उन्होंने वनवासी कल्याण आश्रम की स्थापना की छत्तीसगढ़ के जशपुर में। उन दिनों छत्तीसगढ़ नहीं था, वो मध्य प्रदेश का हिस्सा था। और वहां से जो अभियान चलाया झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और दूसरे जो भी आदिवासी बहुल क्षेत्र रहे हैं वहां पे अभियान चलाकर बड़े पैमाने पर इन लोगों ने आदिवासियों का हिंदूकरण किया। उन दिनों आरएसएस के बड़े बड़े नेता खुद आके आदिवासी इलाकों में कहते थे आदिवासी हिंदू हैं, आदिवासी वनवासी हैं वगैरह वगैरह। उसके बाद 1980 और 90 के दशक में उन्होंने बड़े पैमाने पर आदिवासियों के बीच में कैडर खड़ा किया और कैडर खड़ा करने का परिणाम यह निकला, बाद के दिनों में आरएसएस के बड़े बड़े नेताओं को यह बोलने की जरूरत नहीं पड़ी कि आदिवासी वनवासी हैं या आदिवासी हिंदू हैं, आदिवासी सनातन धर्म का हिस्सा है या फिर सरना सनातन एक है, संताल सनातन एक है, यह सब बोलना उनको नहीं पड़ा। सीधे तौर पर उनके कैडर जो आदिवासी समाज से हैं वो ये सारा कुछ चीजें निरंतर बोलते रहे हैं, चाहे वो मंत्री बने, उदाहरण के रूप में सुदर्शन भगत का आप देख लीजिए या फिर बाबूलाल मरांडी का इतिहास उठा के देख लीजिए, अर्जुन मुंडा का इतिहास उठा के देख लीजिए,
इन लोग हमेशा से कहते रहे हैं कि आदिवासी हिंदू हैं, आदिवासी हिंदू हैं, वनवासी हैं, वगैरह वगैरह। आरएसएस का एजेंडा को इन कैडरों ने बड़े पैमाने पर उठा दिया। और इसमें और एक बड़ी बातें हुई, शुरुआती दिनों में चूंकि आदिवासियों के बीच पैठ बनाना था तो आरएसएस कैसे पैठ बनाती, इसलिए उन्होंने देखा कि आदिवासियों के बीच अगर कुछ पैठ बना सकते हैं वो धर्म के नाम पर ही बना सकते हैं। क्यों ऐसा किया? क्योंकि उनको पता था कि आदिवासी लोग ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने अंग्रेजों के सामने घुटना नहीं टेका, अंग्रेजों के खिलाफ ये लड़े। तब इनको लगा कि ये अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, इसके पीछे क्या कारण था? इसके पीछे कारण था, उनको समझ में आया कि ये एकजुट थे, इनको जो है कि व्यक्ति से लेना नहीं था, उनको अपने समुदाय से लेना देना था, इसलिए इन्होंने समुदाय को बचाने के लिए लड़ा, आगे भी लड़ेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए इनको लगा कि ये जो आदिवासियों की एकता है उसको बांटना है, और वो बांटने का सबसे अच्छा तरीका धर्म हो सकता है। और उन्होंने धर्म का तोड़ निकाला, धर्म को एक तरह से ऑफिम के रूप में वो लेकर आए, और पहला डिवीजन आदिवासियों को दो फाड़ में किया, सरना बनाम ईसाई। आदिवासी इलाकों में बड़े पैमाने पर इन्होंने भ्रम फैलाया कि जो आदिवासी ईसाई धर्म को मानते हैं वो जो है सरना आदिवासियों को हकमारी कर रहे हैं, वो सारा जो है कि उनका हक ले रहे हैं, और यही जो है कि सरना आदिवासियों का मूल दुश्मन है। और ऐसा प्रस्तुत किया कि ईसाई मिशनरी सारे सरना आदिवासियों को ईसाई बना बनाकर उनका अस्तित्व को मटियामेट कर रहे हैं, जबकि हकीकत क्या था? हकीकत उल्टा था। ये आरएसएस वाले खुद ही आदिवासियों का हिंदूकरण कर रहे थे। अगर उदाहरण के रूप में आप देखेंगे तो झारखंड ले लीजिए, सेंसस का आंकड़ा क्या बताता है, जनगणना का आंकड़ा बताता है कि राज्य में 39.7% आदिवासी हिंदू धर्म को मानते हैं, 44.2% आदिवासी सरना धर्म को मानते हैं, और 14.5% आदिवासी ईसाई धर्म को मानते हैं। तब देख लीजिए धर्मांतरण कहां हो रहा है, सबसे ज्यादा आदिवासियों का धर्मांतरण जो है वो हिंदू धर्म में हुआ। लेकिन इसी सच्चाई को दबाने के लिए ईसाई मिशनरियों के ऊपर हमला करके लगातार इसको एक तरह से रेत पर, बालू पर इमारत की तरह खड़ा किया गया, और इसको जो है कि सरना आदिवासी मान लिए यही सच्चाई बोलकर। फिर वो जो है कि ईसाइयों को अपना दुश्मन मानना शुरू कर दिए। लेकिन उसी भी जब सच्चाई सामने आई तो एक धड़ा जो सरना आदिवासियों का एक बड़ा सा हिस्सा जो था, उनको लगा कि ईसाई सरना करवा करवा के ये आरएसएस वाले आदिवासियों का हिंदूकरण कर रहे हैं, इसलिए उन लोगों ने बड़े पैमाने पर आंदोलन चलाया और यह स्थापित किया कि सरना धर्म और सनातन हिंदू धर्म ये दोनों अलग अलग हैं, ये एक नहीं है। और उस अभियान के तहत जिन आदिवासियों के घरों के ऊपर या छतों पर या जहां भी महावीर झंडा स्थापित किया गया था उसको हटवाकर उन्होंने सरना झंडा स्थापित कर दिया। जब ये बड़े पैमाने पर अभियान चला तब आरएसएस को लग गया कि ऐसे में उनका जो है सपना भारत को या घोषित करने का कि यह आर्यों का अपना जो है कि जमीन है वो होता नहीं, वो खुद को प्रथम निवासी घोषित नहीं कर सकते थे आदिवासी जो है, तो इसको फिर से दो हिस्सा में उन्होंने बांट दिया। जो लोग सरना सनातन एक है बोलते थे या संताल सनातन एक है बोलते थे उनको अलग कर दिया, और जो लोग सरना बोलते थे उनको अलग कर दिया, और ऐसा दिखा रहे हैं कि जो सरना सनातन एक है कहते हैं वही सच्चे जो है कि आदिवासी हैं, और जो सरना सरना कहते हैं, सरना कोर्ट की मांग करते हैं, वो नकली आदिवासी हैं। मतलब ये सोचिए कि आदिवासी समाज को तीन हिस्सा में बांट दिया, एक तरफ जो ईसाई धर्म मानने वाले आदिवासी, दूसरी तरफ सरना सनातन एक है कहने वाले जो हिंदू धर्म के अंदर धर्मांतरित है वो आदिवासी, और तीसरा तरह का आदिवासी जो सरना धर्म को मानते हैं। यह स्पष्ट दिख रहा है कि आरएसएस अपना एजेंडा में सफल हो गया, आदिवासी समाज को है धर्म के नाम पर तहस नहस कर दिया। इसमें एक बात आपको समझना है,
जो तथाकथित सरना नेता हैं, वो लोग पिछले 3-4 दशक से निरंतर जो है कि अभियान चलाए हैं। क्या अभियान चलाए हैं? सरना सनातन एक है, संताप सनातन एक है, मतलब ये कह सकते हैं कि आरएसएस का जो मूल एजेंडा है आदिवासियों का हिंदूकरण, उसको उन्होंने किया है। और उसके लिए उन्होंने सरना धर्म का या सरना बैनर का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया है, मिसयूज किया है। वो खुद को सरना नेता के रूप में दिखाते थे, लेकिन असल में जो है वो एक तरह से शेर के खाल में भेड़िए की तरह है। इन्होंने ही सरना समाज को सबसे ज्यादा क्षति पहुंचाया है। इनकी वजह से आज सरना समाज के अधिकांश लोग दिग्भ्रमित हो गए हैं। आज सरना समाज का अस्तित्व खतरे में है। इसमें सबसे मूल बात यह समझने की जरूरत है कि सरना, देसौली और जहर थानों का मिट्टी राम मंदिर के निर्माण के लिए ले जाना कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। यह एक तरह से समुदाय आधारित समता मूलक आदिवासी समाज को भेदभाव से भरा हुआ वर्ण और जाति आधारित सनातन हिंदू धर्म में विलय करने की कोशिश है। यह एक तरह से आदिवासी अस्तित्व को खत्म करने का एक पुरजोर प्रयास है। आज जब संघ परिवार यानी आरएसएस और भाजपा के लोग आदिवासी अस्तित्व को खत्म करने के लिए लगे हुए हैं, आदिवासी अस्तित्व को मटियामेट करने में लगे हुए हैं और आदिवासी अस्तित्व को जमींदोज करने के लिए अपनी एड़ी चोटी एक किए हुए हैं, ऐसी परिस्थिति में आदिवासी बुद्धिजीवी, लेखक, कवि, एक्टिविस्ट, ये सारे लोगों को एक साथ आना चाहिए, बैठना चाहिए, चिंतन मनन करना चाहिए और आगे का रास्ता तय करना चाहिए। यदि हम लोग एकजुट नहीं हुए तो आने वाले समय में आदिवासी अस्तित्व नहीं बचेगा। आज हमें खुलकर कहने की जरूरत है कि आदिवासी धर्म, चाहे वो सरना बोले या कोई दूसरा नाम दे, लेकिन आदिवासी धर्म और सनातन हिंदू धर्म दोनों अलग-अलग हैं। आदिवासी देश के प्रथम निवासी हैं और जो भी आर्य हैं वो बाहर से आए हुए हैं, यह साबित हो चुका है। और हमें स्पष्ट कहना चाहिए, संघ परिवार, आरएसएस और भाजपा के लोग आदिवासियत को तय नहीं कर सकता है। इसलिए वो जो है आदिवासियों को वनवासी कहना या सरना सनातन एक है, संताल सनातन एक है, ये सारे चीजों को बंद करें। आदिवासी आदिवासी हैं, भारत देश के प्रथम निवासी हैं, हमारे पूर्वज हमें परिभाषित करके गए हैं, दूसरा कोई भी हमारा नया से कोई परिभाषा नहीं दे सकता है। इस सच्चाई को कोई नहीं झुठला सकता है कि हम आदिवासी भारत के प्रथम निवासी हैं। इसलिए साथियों, जिस तरह से राम मंदिर के बहाने आदिवासी अस्तित्व को जमींदोज करने की कोशिश की जा रही है, इसका पुरजोर विरोध किया जाना चाहिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, जोहार।